गाइस, अगर आप जियो सिम यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अपने जियो सिम में पहले ही रिचार्ज करके रखा हुआ है और उसका वैलिडिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होने में 20 डेज बाकी है, तो अगर आप अभी फिर से न्यू रिचार्ज करना चाहते हैं अपने जियो नंबर पर, तो वो रिचार्ज कब एक्टिव होगा? जब आप डालेंगे तभी एक्टिव होगा, या तो आपका जितने दिन वैलिडिटी बाकी है वो ख़त्म होने के बाद एक्टिव होगा? तो सभी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी एक्टिव हो गया तो जो 20 डेज बाकी था वो आपको मिलेगा कि नहीं, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और एयरटेल और जियो का डिफरेंट है, यानी कि एक ही रूल्स नहीं है, अलग अलग रूल्स है, तो आपको अच्छे से समझना होगा तभी रिचार्ज कर लीजिएगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको भी पूरी डिटेल्स में जानना है जियो सिम के बारे में, तो वीडियो को स्किप किए अंत तक देखते रहे, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एयरटेल में क्या होता था, जब भी आप एयरटेल में कोई भी रिचार्ज पहले ही करके रखा हुआ है, उसका वैलिडिटी ख़त्म होने में अभी भी 15-20 दिन बाकी है, तो अगर आपने अभी रिचार्ज किया तो वो वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद एक्टिव होगा। लेकिन इन जियो के मामले में थोड़ा अलग है, जियो में अगर आप पहले ही रिचार्ज करके रखा हुआ है वो ख़त्म होने में अभी भी 20-25 दिन बाकी है, तो और अगर आपने अभी रिचार्ज किया तो क्या होगा कि वो जो रिचार्ज है वो जितने दिन बाकी है वैलिडिटी उसके बाद एक्टिव होगा। लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि अगर आपको पहले जो रिचार्ज किया है वो उसका वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले ही जो अभी आपने रिचार्ज किया है वो भी आप दो एक ही साथ एक्टिव करना चाहते हैं, एक ही साथ आप दोनों जो वैलिडिटी मतलब दोनों जो रिचार्ज है वो एक ही साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप जियो में कर सकते हैं लेकिन एयरटेल में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जियो में आपको ऐसा एक फीचर्स मिलेगा जो माई जियो ऐप्स के अंदर, वहाँ पर अपकमिंग जो रिचार्ज होता है वो भी आप अभी अगर आपको एक्टिव करना है तो एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दो या चार आपको जितने मन जाए रिचार्ज करके रख सकते हैं, और वो जो रिचार्ज है जो आपने अभी दो चार रिचार्ज करके रखा हुआ है वो अभी एक्टिव नहीं होगा, जो आपका करंट प्लान चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद ही एक्टिव होगा। यानी कि ये क्लियर है कि अगर आपके जियो रिचार्ज में अभी भी वैलिडिटी 20 डेज बाकी है और अगर आपने फिर से अभी रिचार्ज कर दिया तो वो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, 20 डेज जो ख़त्म होगा, जो वैलिडिटी बचा हुआ है वो ख़त्म होने के बाद ही अभी जो रिचार्ज करेंगे वो एक्टिव होगा। और उसके बाद फिर से और एक रिचार्ज किया तो वो जो अभी एक्टिव हुआ है 20 डेज के बाद जो एक्टिव होगा वो ख़त्म होने के बाद दूसरा एक्टिव होगा, यानी कि आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो इस तरह से 1 बाय 1 एक्टिव होता रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो सभी दो रिचार्ज एक ही साथ एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन दो रिचार्ज एक ही साथ एक्टिव करके हमारा बहुत नुकसान होगा, ये सब करने का क्या फ़ायदा है? तो ये 1 बाय 1 एक्टिव होता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप चाहे तो दो चार रिचार्ज एक ही साथ करके रख सकते हैं। तो ये था जियो के रूल्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।